हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डिटरमिनेंट दिया है। चलिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं सी वन पर। ठीक है, सी वन पर क्या अप्लाई करें? सी वन माइनस का बी सी थ्री। ठीक है, और हम इसके अलावा सी टू पर अप्लाई करेंगे सी टू प्लस का क्या अप्लाई करेंगे? ए सी थ्री। ठीक है, तो देखिए किसके इक्वल हो जाएगा ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू देखिए किसके इक्वल हो जाएगा। माइनस का बी सी थ्री कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का बी सी थ्री कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम माइनस का बी सी थ्री कर देंगे तो देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ए टू बी हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो देखिए किसके इक्वल हो जाएगा? ए टू बी हो जाएगा। और माइनस का बी प्लस क्या हो जाएगा? बी ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए सी थ्री कर देंगे ये तो आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर यहाँ पे प्लस का ए सी थ्री कर देंगे तो माइनस का टू ए प्लस का ए, माइनस का ए का क्यूब और माइनस का ए टाइम्स क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। माइनस का ए टाइम्स क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे तो आपका माइनस टू बी रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? टू ए रहेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको अगर थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें हम तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यहाँ जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा बी टाइम्स वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? बी का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ माइनस ए टाइम्स आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ माइनस टू भी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? टू ए आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, चले अब यहाँ से आर वन और आर टू से मैं वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा? वन प्लस किसके इक्वल आ जाएगा? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका टाइम्स में क्या आ जाएगा? वन जीरो बी हो जाएगा, जीरो वन माइनस ए आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा माइनस टू बी, यहाँ टू ए आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या आ जाएगा आपका? ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम क्या करते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। चलिए इसको अगले पेज में क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो देखिए किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे आ रहा है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या आ रहा है? होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? यहाँ वन वन जीरो और क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है जीरो वन, यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस टू बी, यहाँ टू ए आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? वन माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है? बी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। चलिए इसे हम क्या करते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। देखिए एक्सपांड करने के बाद किसके इक्वल हो जाएगा? वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? टू ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू बी टाइम्स क्या आ जाएगा? माइनस टू बी टाइम्स जीरो माइनस का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? टू बी का स्क्वायर। क्लियरली किसके इक्वल हो जाएगा? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यूब के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे अगर हम क्या करें, कंपेयर कर लें। हमें किसके साथ कंपेयर करना है इसे? एल टाइम्स वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे एल टाइम्स वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम के साथ। दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू वन, एम इज इक्वल टू थ्री। तो देन क्या हो जाएगा? हमें एल प्लस एम निकालना है। एल प्लस एम यानी वन प्लस थ्री किसके इक्वल हो जाएगा? फोर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? फोर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।